Здраво, здраво, здраво. आप ये लाइव विजुअल्स यहाँ पर गुपकार से देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला खुद गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ से वो ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके हमरा, उनके कई एक रिलेटिव्स और उनके दो फर्जन जो है वो भी साथ में है। और आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में यहाँ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफिला है वो निकल पड़ा है और उसके बाद यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो ली जाएगी यहाँ पर एसकेसीसी में। एसकेसीसी में 11:30 बजे, एसकेसीसी में 11:30 बजे यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो ली जा रही है। और आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला का रेजिडेंस जो यहाँ पर गुपकार में है, यहाँ से वो निकल पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर उमर अब्दुल्ला निकल पड़े हैं और एक ओवर टेकिंग सेरेमनी वो यहाँ पर एसकेसीसी में लेंगे। 11:30 बजे ये ओवर टेकिंग सेरेमनी होगी और उसमें आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला के बशमूल यहाँ पर उनके रिलेटिव्स और दो फर्जन भी शामिल है जो यहाँ पर ओवर टेकिंग सेरेमनी में शमूलियत करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एसकेआईसी से भी आपको लाइव विजुअल्स दिखाएंगे। उमर अब्दुल्ला आज दूसरी बार सीएम बन रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है थोड़ी देर के लिए रोका गया था और आप देख सकते हैं कि बाहर के विजुअल्स भी। और यहाँ पर यूटी में आज उमर अब्दुल्ला पहली बार सीएम बन रहे हैं और उनके चैलेंज काफ़ी ज़्यादा है और चैलेंज इस लिहाज से भी है कि यहाँ पर यूटी में मैक्सिमम पावर्स एलजी के पास रहेंगे, खासकर जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के है, प्रिजन को लेकर या प्रिजनर्स को लेकर है, वो तमाम जो पावर्स है वो एलजी के पास रहेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा के बशमूल यहाँ पर कहीं एक जो दिल्ली से बाकी पार्टियों के लीडर्स वो भी यहाँ पर एसकेआईसीसी पहुँचे हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ओवर टेकिंग सेरेमनी का आगाज हो जाएगा। और दोस्तों, जानन वानी, जेके न्यूज़, श्रीनगर।